ललितपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां जीजा के साथ बाजार में पहुंचे एक युवक पर गांव के ही एक युवक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से सीने पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच बचाव करने आए जीजा को आरोपी धमकाते हुए वहां से भाग निकले। घायल साले को तौलिए से अपनी पीठ पर बांधकर मोटरसाइकिल से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या नाम है आपका? जय जगदीश। क्या घटना घटी, क्या हुआ? हम दोनों भाई किसान कार्ड भरने आज हम पहुंचे रजवाड़ा पर जी आज तलापरा पर जो प्रकाश सेन ने चाकू मंजन ने मार रहा प्रकाश सेन कोई पुरानी रंजिश पुरानी चलती पहले की सोवन राय। क्या घटना हुई, कौन थी? हमारे साले थे, हम केसीसी जमा कर संतरा में आए। तो कहाँ पे हमला हुआ, क्या हुआ? जो ताला शनिजा चौराहे से तालापुरा वाले रोड से तब थोड़े आगे कुलिया है, कुलिया में निकल जा रहे थे घर पे, तो वहाँ सामने से बोल निकला, तो इस साइड से हम लोग जा रहे थे, तो सामने से आए चाकू मार दिया। थाना कोतवाली ललितपुर अंतर्गत ग्राम मैलवारा खुर्द में दो पक्षों के बीच मारपीट और लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर झगड़े को शांत कराया गया और घायल संतराम को राय को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का प्रेम संबंध आरोपी प्रकाश सेन की पत्नी के साथ था। कुछ समय पहले मृतक आरोपी की पत्नी को लेकर कहीं चला गया था। बाद में समझौते के बाद मृतक अपने बहनोई के साथ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में निवास करने लगा था। आज मृतक पुनः आरोपी की पत्नी से मिलने उसके घर गया, जहां पर दोनों के बीच मारपीट हुई। गुस्से में आकर आरोपी द्वारा चाकू मार दिया गया, जिससे वह घायल हो गया और बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मिर्जापुर के गांव में चल रहे क्रशर प्लांट को लेकर विंद सार्थक के नेतृत्व में ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर आरोप लगाया कि यहां पर अवैध ब्लास्टिंग खनन परिवहन किया जा रहा है, जिससे प्रकृति पर्यावरण का दोहन होता है। पूरे समय ब्लास्टिंग होने से परिवार भी दहशत में है। वहीं आपको बता दें कि विंद सार्थक के मालिक ने बताया कि इस समस्या को लेकर जब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया तो क्रशर मालिक ने ग्रामीणों के बीच एक प्रेस वार्ता की, साथ ही कहा कि जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ग्रामीण चैन से बैठने वाले नहीं। मतलब क्या हुआ है, काहे के लिए आप लोग क्रेशर किया? हमारे लोग को बड़ी क्षति पहुंचावा था कि हम लोग तो घरे का माने मजदूरी सोचे चला अच्छा घर भर फटा था ना, और जब पानी हम लोग मरे लगे, पानी चार महीने से बोर बैठ गए सबके, सारा गांव को बोर बैठ गए, पानी कहाँ से हो। क्रेशर हटना ही क्रेशर के लिए क्या होता है, ब्लास्टिंग वगैरह होती है? ब्लास्टिंग रात में ऐसी ब्लास्टिंग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे डर के रोने लगते हैं, क्या हुआ, ऐसा लगता है धरती कांपती है जैसे भूकंप आ रहा है। अच्छा। हमारा लोग का तो कमाई इतना नहीं है कि हम रोज पक्का बनवाएंगे, रोज तोड़वाएंगे। सात के पहले सब अपना जो है घर किसी तरह बनवाए हैं, सब चूंकि कृषि संबंधित हैं, और सबका घर जो है एकदम जर्जर हो जा रहा है, ब्लास्टिंग से पूरे घर फट जा रहे हैं। सब बालू और सीमेंट की व्यवस्था करके बरसात के पहले खेती के पहले पहले अपने घर में रहने की व्यवस्था कर रहा है। हर साल की ये व्यवस्था हो गई है कि अपना जो है चूहना को छवाएं। आज संसद का तीसरा सदन तीसरा दिन स्टार्ट हो गया, तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधा संसद की तरफ। Also, whether this the Prakasam district declared by an honorable prime minister with the at the instance of my leader honorable CM Chandrababu Naidu garu, that when will it start also operationally, whether they are going to take it up with the existing aspirational districts list also. Sir, I was trying to make the honorable member understand that aspirational districts are not given funds from out of the government devolving funds. They are given a delta ranking by virtue of which there is competition amongst all the 112 aspirational districts. The first district amongst those 112 per month gets 10 crore rupees. The district that comes second gets 5 crore rupees.
From that, there are sectors like health and nutrition and agriculture and water harvest, which are also assessed. And whoever comes first out of those 112 districts in these parameters is given 3 crores each. So there is no separate budget as such for aspirational districts. All schemes of the central government, all schemes of the state government, they are converged. There is then thereafter there is competition as to which is the best district. So all told, since its inception in 2018, 1582 crores was given for aspirational districts program, which is devolved to the districts by virtue of delta ranking system. After this, in first phase, which was from 2019 to 22, it was 974 crores. And the second phase, which is from 22 to 24, is for 933 crores in progress. Now, there seems to be a little bit of confusion in the honorable member's mind, and he's saying that whether we give funds. It is not us who give funds. The funds have been devolved by the finance ministry, as presented by the honorable Sitaraman, the finance minister, given a sizable package to Andhra Pradesh. And right now there is no extra money that can be given through Niti Aayog to these aspirational districts. It has to be a convergence of all schemes that are in force, whether in the state level or in the central level. श्री माननीय सदस्य श्री रुद्र नारायण पाजी पानी। सर, मैं उड़ीसा से आता हूँ, रुद्र नारायण पानी। धन्यवाद सर, प्रधानमंत्री जी के प्रति जगन्नाथ इसको पानी करना भैया। पानी PANY, पीने का पानी सर। प्रधानमंत्री जी के प्रति जगन्नाथ महाप्रभु का असीम कृपा इस बार हुआ। संयोग से मैं एक आकांक्षी जिला से आता हूँ, दैट इज ढेंकनाल। इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल उड़ीसा। सर, हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा स्थापना किया जाएगा, ऐसा पिछले 10 साल में कहा गया है, और आशा और विश्वास है कि इस आकांक्षी योजना के अंतर्गत ढेंकनाल जिला में एक, क्या माननीय मंत्री जी का ये विचार है कि इस योजना के अंदर या किसी दूसरे तीसरे योजना के अंदर ढेंकनाल जिला में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल क्या बनाया जाएगा? जनाब स्पीकर साहब, ओडिशा के अंदर कुल मिलाकर के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 10 हैं।